सभी को यहाँ पर दिक्कत, एक बहुत अच्छा मैसेज दिया सुबह सारे इन सब चीजों, इसको पॉजिटिवली लीजिए। माँ बाप की बहुत महत्व, मतलब महत्वपूर्ण स्थान होता है सभी के जीवन में। इवन रामदेव को अपने माँ बाप की, बाप की जरूरत पड़ी सब कुछ कराने के लिए, धरती माता को भी पड़ी और उस बच्ची को भी पड़ी। ताली बजाइए अपने माँ बाप के लिए। तो इसी धोखे में ये, जैसे अभी प्रवीण ने बताया बहुत सारी चीजें कि ये जो आपके सामने एक्ट हो रहा है, जनरली आप देख रहे होते मूवीज और सभी कुछ, तो उसमें हजारों दिन लग रहे होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं बड़े बड़े, यहाँ ना कोई डायरेक्टर था ना कुछ था, लोग डायरेक्टली ऑन स्पॉट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा, मतलब आप दिल से तालियां बजाइएगा रैली की, जो लोग सीधे आकर के स्टेज पर यही डायलॉग दिए जा रहे हैं यहीं पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही एक छोटा सा प्रोग्राम था, मेरा ही ब्रेन चाइल्ड कहिए, मैसेज कुछ और देना था, बट थोड़ा बहुत प्रवीण और जितने भी हमारे साथी उन्होंने काफी कुछ अच्छा प्रयास किया है, बट क्योंकि एक्चुअली कोई ट्राई नहीं कर पाए कुछ भी, ये लोग पहले प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो फर्स्ट टाइम ऑन स्पॉट ऑन स्टेज परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो इस स्किट के वजह विषय में बता दूं आपको, सभी लोग आगे आ जाएं, जरा थोड़ा आगे आ जाएं, दिखाई दे इससे। इस कहानी के बारे में बता दूं कि इस कहानी के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक, इसका विद्युत लोको शेड लुधियाना से कोई लेना देना नहीं है, नोट करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका विद्युत लोको शेड लुधियाना से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अगर कोई समानता होती है, ठीक है, तो उसे मात्र सहयोग कहा जाएगा। अगली लाइन इसमें और, ये तो सभी में सुनते हैं आप, किसी को अगर बुरा लगता है इसमें तो क्षमा करेंगे हमारे कलाकारों को, ठीक है, किसी को अगर बुरा लगता है क्योंकि कॉपी की गई, कुछ लोग कोशिश की गई कॉपी करने की, उतना तो कर नहीं पाएंगे बट थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रैक्टिस हुई नहीं, अदरवाइज तो बहुत अच्छी कॉपी करूंगा 26 जनवरी को बहुत तगड़ी कॉपी करूंगा, अभी नहीं कर पाया। तो अगर कोई कॉपी कर रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, उसको दिल पर मत लीजिएगा, और अगर कोई दिल पर ले भी लेता है, जो अपना आपके सेक्शन का स्टाफ है जो मिमिक्री कर रहा है, उसको हमें कुछ मत कहिए, उसको ले जाइएगा, प्रोग्राम के बाद कूटिएगा। तो साथियों अब स्टार्ट करते हैं इस कहानी की। ये कहानी है एक लोको की, हमारे 24600 मस्त मतवाला लोको आईएच करके निकाला हमने, चार बार लिफ्टिंग की, सब कुछ देखा, अंडर फ्रेम पूरा एक 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 पार्ट देख डाला शर्मा जी ने। शर्मा जी कहाँ हैं? देखिए ये भी एक धोखा है, हमने पहले ही कहा था, पहले ही मान लिया था कि लड्डू नहीं मिलेंगे अगर आप यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन फिर कुछ लोग लड्डू भी कुर्बान कर गए, फिर भी बात गए, फोन करके बुला लीजिए इंचार्जेस को। तो सब कुछ चेक किया गया, बहुत ही अच्छा पेंट वेंट करके टीएम लगाई खरे जी ने, बहुत अच्छी, सभी ने बहुत अच्छा पॉलिश वॉलिश करके लोगों निकाला, तो हमारा खुश लोगों, लुधियाना का बहुत अच्छा लोगों निकलता है जब आयोज होकर के जाता है, सभी को पता है सारी चीजें, सुरक्षा और सारी वो चीजें अच्छी करके निकालते हैं हम। तो ऐसा हमारा एक लोको 24600 गंडाई लोड से निकल करके जम्मू की तरफ जा रहा है, तो आइए देखते हैं क्या होता है उसके साथ। लोगों अभी फिल्लौर ही पहुंचा था, वहां पाकिस्तान तो गया नहीं, अब बेचारा फिल्लौर ही पहुंचा था, और एक बंदे ने गलती की, वो ईयरफोन लगा के आया जैसे पब्लिक गलती करती है, और साइकिल छोड़ के भाग गया और हमारे लोगों को बीमार कर गया। अब हमारा लोगों क्या होगा, सेंटर भेजिए और शेड मुगलाइए इसको, लोगों अंडर रिपेयर हो गए, सेंटर भेज के शेड में तो बुलवा लो भाई, मैं सीनेडी नहीं हूं। हेलो, हाँ जी भाई साहब, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। अरे क्या करवा दिया लोगों में,
यार तुम जब भी करते हो ये कुछ ना बोलते हो। एक मिनट लिखते तुम मुझे लोको नंबर क्या है 2600। अरे ये पहले तो निकला भी ये। अरे साइकिल अंदर था क्या वो? चलो ठीक है साइड में जाओ मैं भेजता हूँ सबको बोलता हूँ मैं देखने क्या करता हूँ। चलो ठीक हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। एक लोग अब मैसेज आया टीएलसी का। हाँ जी एक लोग को है 2600। अच्छा जी सरकारी लोग को ऑटो वाइस करके। हाँ हाँ तो सर ये अनुसार पर्सन बीच में आ गया है और लोग को फेल हो गया हमारा ये। अरे यार आउटेज वैसे इतनी पुअर चल रही है कल लोग को निकला है। ओहो तो कहाँ पे घटना हुई है? ये सर ढंडारी के पास हुई है सर। ये ढंडारी भी नहीं जा पाया? हाँ जी सर। चलो ऐसा करो फिर इसको सेड में अरेंज करो इसको और ईटी सेंटर भेज के इसको वापस मंगाओ। ठीक है इसके बाद देखते हैं। फिर में प्रॉब्लम आ गई। अब लोको हमारा 20 km/h की स्पीड से फ्रंटिंग इंजन हमारा खींच के लाया शेड में। अब हमारे देखिए शेड वाले इंचार्जेस डी साहब हमारे एक्चुअली सीनियर डी है इन्होंने सीनियर डी लिखना बोल दिया। पहुंचिए भाई अब बाद में लिख लेना। शर्ट में आ चुका है ये। अच्छा जी काफी डैमेज है। अच्छा ये कितने नंबर पिट पे है? चार नंबर पिट पे है जी सर। अच्छा ये देखो वहाँ पानी वानी की प्रॉब्लम तो नहीं है? चार नंबर पिट साफ है। पिट साफ है जी सर। अच्छा तो भाई देखो ऐसा है लोगों बहुत जल्दी हमको निकालना है और इसको हेडक्वार्टर भी चेंज कर रहा है जी सर। लोगों आज ही हर हाल में फिट करना है। आउटेज पहले से सेट की गिरी हुई है आप सबको पता है। तो आप जितने भी सेक्शन इंचार्जेज हैं सबको जॉब कार्ड इशू कराओ और सब लोगों को चेक करें क्या प्रॉब्लम है। सर जॉब कार्ड तो सबको इशू किए हुए बट की काम ले रहे हैं कह रहे हैं कि मेरा नहीं है ऐसे सब लगे हुए। नहीं अगर ऐसी समस्या है तो सबको एक बार भेज दीजिए सब अपने अपने पार्ट्स चेक कर ले देख ले किसकी क्या प्रॉब्लम्स है। सर आप भेज दो बोल रहे सबको। ठीक है भाई अभी ऐसा है सभी सेक्शन इंचार्जेज अपना लोको 2600 फेल होके आया है तो आप लोग देख लीजिए क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है एक बार जाके आप लोग चेक कर लीजिए फिर रिपोर्ट दीजिए। ओ शर्मा जी यार चाय का टाइम पर कहाँ फंसा दिया यार मेरा तो नीचे घुसाने जाएगा मेरे जई को बुलाओ ये ब्रह्मा विष्णु जी कहाँ पे हैं 2600 देखिए यार कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इसमें तो घुसा भी नहीं जाएगा। अरे जल्दी अरे बुला अरे अरे बुला यार मेरे जई को यार मेरे तो रेल गार्ड बैंड हो गए हैं इसे तो कोई वेल्डर से करवाना पड़ेगा। कोई वेल्डर तो आता भी नहीं है अभी तो नए वेल्डर सब फिट हुए हैं उसको तो गैस चलाना भी नहीं आता। न्यूमेटिक जी आपके पास कोई वेल्डर है? फिर तो साहब बताएंगे साहब वेल्डर का इंतजाम करेंगे। औजरी जी आपके पास है कोई वेल्डर? बिल्ला है? नहीं हमारे पास कोई वेल्डर नहीं है बिल्ला हमारी आई नहीं है। जी आप सबने लोको चेक कर लिया है जी? चेक हो गया? हाँ ठीक है आप टीएम वाले आप बताइए। टीएम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा तो सबको ठीक है सर। मैंने देखा भी था अपने बंदे भी नीचे गए थे चेक कर लिया करेक्शन क्वेश्चन लो जब हम करवा देंगे आप एमसीएमसी को पूछ लो बाकी सब वो तो देख लेंगे आप जरा ठीक से चेक कराओ।
सर अभी कुछ नहीं है हमारे में तो आप ये इनका ही काम फंसता है, इनसे ही पहले करवाओ। अच्छा ठीक है सर, मेरा तो पहले ब्रेक पाइप वगैरह टूटे हुए न्यूमेटिक वो सही कर ले फिर मैं करूँगा, मेरे तो दो मिनट का काम है प्लस वेल्डर भी चाहिए हमें। नहीं वेल्डर, क्या वेल्डर है नहीं क्या आपको? मेरे पास तो एक वेल्डर है सर, नहीं वो अभी सिलेक्शन हुआ है उसका। तो सिलेक्शन हुआ काम कराइए उसे। सर गैस वो भी कैसे चला लेगा? अरे नहीं आज नहीं चलाएगा तो कैसे सीखेगा? सर सीखेगा, अभी तो 10 दिन हुआ है, ट्रेनिंग दिलवाइए उसे। अरे भाई सब ऐसे ही सीखते हैं, हम लोग भी ऐसे ही सीखे, हमारी कहाँ ट्रेनिंग हुई है? नहीं ट्रेनिंग तो फिर भी सर दिलानी पड़ेगी उसे। नहीं नहीं किसी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, आप लगाइए उसको। सर कैटल गार्ड काट देगा, फिर कैटल गार्ड अपने पास है भी नहीं। काट देगा कोई नहीं, वो भी देखा जाएगा, लोगों को निकालना है, कटने की बात मत कीजिए। नहीं नहीं यही साहब थोड़ा वेल्डर की प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सॉल्व कीजिए। शर्मा जी आप अपना वेल्डर दे दीजिए। नहीं 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 होगा कोई ना कोई तो होगा वेल्डर, आपके पास दो वेल्डर तो है, काम ज्यादा है सर वेल्डर आया नहीं। अरे क्या क्या काम है आपके पास? सर बहुत काम है सर। क्या काम है? आप पेंट चढ़ाते रहते हो बस, बात बताते हैं क्या है साहब? काम बहुत ज्यादा है मेरे पास, मुझे बता दो क्या काम है आपके पास साहब? इतना आप हमेशा वही काम करते हो सारा दिन, आप तो सुनो पहले, सुनने आप काम करिए। आप चलिए मुझे वेल्डर बताइए कौन है वेल्डर? सर मेरे पास एक ही है। आपको बोलिए कौन है सर? स्टाफ पर ठीक है उसको बताइए कौन है सर वेल्डर? नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आप न्यूमेटिक से ले लो सर, दो वेल्डर होंगे थोड़ा होता है। न्यूमेटिक आपके पास है कोई वेल्डर? हमारे पास नहीं है, बताइए आप मैं क्या करूँ सर वेल्डर? नहीं नहीं आप प्लीज आप हेल्प करिए। नहीं सर नहीं प्लीज करिए आप, 40 सेकंड नहीं हो सकता सर। अरे नहीं नहीं यार ये कैसे होता है? मैं नहीं तो आपको टेकआउट करूंगा, ये हमेशा आप यही करते हो, गलत बात ये। आप सर ये मैं बोल रहा हूँ ये इनको है सुनो सर पहले। नहीं नहीं कुछ नहीं सुनना है, पहले लोगों को लोगों निकालिए, लोगों बाद में सुनेंगे, हमको भी सुनना है। ये नहीं होगा मैं क्या? अरे नहीं आप ना ना बिल्कुल नहीं सुनना, आप वो करिए मोटे सेक्शन में मुझे बताइए जो काम होता है। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बोलिए सर मेरी बात सुनो, मेरे पास नहीं है एक ही वेल्डर है, काम बहुत है। वो वेल्डर बताइए ना वो कहाँ, आप भेज देते हो इधर उधर कहीं पर गया होगा यहाँ से कोई भी दिक्कत है? क्या काम है बोले ना उसको, रहने दो काम कर लेंगे उसको, लेकिन ये लोग का निकालना जरूरी है। ठीक है सर फिर देख लो, फिर मेरे जो और साथी में बैठे रहे। हाँ हाँ ठीक है देखते हैं करिए सर। वो मैं बोला हूँ शर्मा जी को। अच्छा शर्मा जी को बोल दिया आप? ठीक है मिल जाएगा सर वेल्डर, मिल जाएगा। हाँ वेल्डर की व्यवस्था मिलेगा तब सर काम होगा। अरे यही हिसाब से बोले, यही हिसाब मैनेज कर ले। नहीं सर जब मिलेगा वेल्डर टाइम के अनुसार मिल जाएगा तो काम करा पाएंगे। काम तो कर रहा है, रनिंग पे चार चार पॉइंट है, वो कौन करेगा? नहीं आप वेल्डर वेल्डर करते रहे तो आप काम कराओ, अपना वेल्डर अगर नहीं होता है फिर बताना, आप पहले ही कंप्लेन करने में लग जाते हो। कंप्लेन क्यों नहीं करें? मेरे पास एक वेल्डर है, चार पॉइंट है, वो करेगा इधर या करे, मेरे ऐसे रिटायरमेंट का समय आ गया है, 5 महीने बचे हैं। मेरे पास ऐसे 300 से ज्यादा छुट्टियां पड़ी है, सिख पड़ी है, मेरे 5 महीने बचे हैं। ओ सर जी आज तो कराओ काम, आज आए हो तो। नहीं आज तो वेल्डर मिले तभी तो काम होगा सर, ऐसे नहीं होता आपके पास वेल्डर। नहीं नहीं मेरी बात तो सुनिए, बैठिए शर्मा जी मेरी बात तो सुनिए, वेल्डर आके मिलेगा, एक वेल्डर है उससे कहाँ कहाँ वेल्डिंग करा लें? आप एक ज्वेलरी से ले लो वेल्डर, ज्वेलरी का तो बिल्ला आया ही नहीं आज। आज बिल्ला नहीं आया है, किसी और से पूछ लो, हमारे पास वेल्डर नहीं है कोई। यही साहब जब वेल्डर मिल जाएगा हमें तब मैं काम करा दूंगा। जैसे भी है लोगों को निकालना है, आप लोग जो है मेरी प्रॉब्लम क्या है बताइए, मुझे वेल्डर मिलेगा तभी तो मैं काम करा। आप वेल्डर का अरेंजमेंट हो जाएगा, आप स्टाफ लगाइए। स्टाफ तो प्रॉब्लम है, आप पहले काम नहीं कराते हो, आप स्टाफ बुक नहीं करते हो, वेल्डर की प्रॉब्लम है। स्टाफ तो मेरा लगा हुआ है लोगो पे, स्टाफ क्या करेगा? स्टाफ थोड़ी ना वेल्डिंग करेगा। एक ज्वेलरी से ले लो ना आप। अरे हमारे पास मत आया करो, हमारे पास वेल्डर एक ही है, वो भी छुट्टी पे रहता है, कभी उसकी कोई प्रॉब्लम, कभी उसकी कोई प्रॉब्लम।
और दोस्तों इस तरह हमारा लोको लोगों ने समझा हमारे सारे चार्जेस स्टाफ ने कि लोको शेड ज्यादा महत्वपूर्ण है आपसी झगड़ों से, भारतीय रेल ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उन्होंने जाके 10 मिनट में लोको फिट कर दिया है तिजुअल जैसा लुधियाना शेड करता है। तालियां लुधियाना शेड के लिए। ये सभी सेक्शंस हैं हमारे जो मेन लोको शेड लुधियाना और भारतीय रेल के सभी पार्ट्स हैं, वो सभी इसके हाथ हैं जो ये पिक्चर शो कर रही है। तो इन साथियों के लिए जिन्होंने डायरेक्टली स्टेज पे परफॉर्म किया उनके लिए एक बार फिर से बहुत जोर से तालियां। एक तालियां आप सभी के लिए जोरदार तालियां हमें सुनने के लिए। मैं अपेंती करूंगा लास्ट एक बार फिर भी, अभी बहुत ही रोमांचक एक चीज होने वाली है, बहुत ही रोमांचक चीज होने वाली है, तो आप अपनी निगाहें ऐसे बनाए रखिए। तो मेरी बेनती है आपसे एक बार सिंगल, मेरी बेनती है कि ये तख्त पोज जो है दिनेश जी से बेनती करूंगा, तख्त पोज ये यहाँ पे ला दी जाए। उससे पहले एक बार ए टीम याद है, हाथ करा करे ए टीम, ए टीम ये गलत हो रहे बीच में, ये बी टीम है, ए टीम मथुरा जी से उधर उधर है। तो एक बार वंदे मातरम, पहले ए टीम बोलेगी इधर सारी बच्चों के साथ, देखते भाई कितनी है। वंदे